Hey guys, welcome back to my प्रजापति family. So guys, अभी हम लोग फिलहाल फिर से आ गए हैं स्टेशन और अब हम लोग थोड़ा फिर निकल रहे हैं हम लोग कहीं के लिए. अभी थोड़ा हम लोग लंबा निकलने वाले तो और ये ब्लॉग भी कंटिन्यू आएंगे तो आप लोग बने रहना साथ. यस गाइस, अभी कंटिन्यू ब्लॉग हम लोग करने वाले हैं. तो आज हम लोग आ गए स्टेशन पे. अभी बज रहा है 9:30 और हम लोग जा रहे हैं रायबरेली. तो अभी फिलहाल हम लोग कार में बैठे क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए. तो थोड़ा आ गए जल्दी हम लोग क्योंकि मिस नहीं करना चाहते थे ट्रेन अपनी. हाँ वो तो है और मतलब फिर भी लेट हो गई है ना थोड़ा. तो हाँ थोड़ा लेट हो गए तो अभी हम लोग कार में ही बैठे हैं. फिर हम लोग थोड़ा देर में निकलेंगे जाएंगे ट्रेन में. तो फिर आपको वहीं पे मिलते हैं. और गाइस बहुत मजा आने वाला है. अभी हम लोग पहले तो हम लोग दिल्ली गए थे तो एक ही जगह पे मतलब वहीं पे घूमे थे बट अभी हम लोग अलग अलग जगह जाने वाले हैं. सो और भी ज्यादा मजा आएगा. सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं फिलहाल स्टेशन पे. और गाइस अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं घूमने के लिए. और गाइस इस बार हम लोग थोड़ा लंबा निकले हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रायबरेली. भाई के साथ ही जा रही हूँ. पापा और भैया छोड़ने आए हैं और हम लोग का ट्रेन है 9:30 का. तो थोड़ा टाइम है बस आने ही वाला है. हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो लेट हो गया है ट्रेन. तो हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे हैं तो हर बार ही लेट होता है. और मुझे सर्दी भी हो गया है तो मैंने मेडिसिन भी ले रखा है. और गाइस अभी फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं. बाय बाय. सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग बैठ गए. ये भाई एंड मैं हम लोग का दोनों का ऊपर ही था. सो अभी फिलहाल पहुँचते हैं रायबरेली. उसके बाद ही आपसे मिलते हैं कन्फर्म. सो मॉर्निंग 7 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे. अभी हम लोग खाना पीना सब खा के आए हैं. कितना टाइम है यहाँ से निकले हो? बस थोड़ा टाइम में निकलने वाले. फिर मिलते हैं जल्दी. तो ये रहा हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट. गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं रायबरेली जंक्शन एंड यहाँ से हम लोग को थोड़ा पहले बस स्टैंड जाना है. वहाँ से का हाँ पहले हम लोग को बस स्टैंड जाना है और फिर वहाँ से हम लोग को बस पकड़ के और 20 किलोमीटर दूर और जाना है. तो वो मुझे भी अभी जगह पता नहीं कहाँ जाना है तो वो और मैं नहीं बता सकती. बट अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं रायबरेली. हम सोच रहे थे कि बताएंगे नहीं
बट वो सामने हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं सामने देख सकते हो। तो आ रहे हैं बस आने वाले हम लोग जाएंगे। हम लोग बहुत दूर से आए हैं थोड़े से काम के लिए। चलो इसे से चल रहे हैं, किसी तो पैर जो हमें चल रहा वाला बंदरिया बोल तुम आ जाओ। भैया आ गए गाइस, हमारा बैग ले जा रहे हैं। भैया हमारा बैग लेके चले गए थे और फिर खुद आ गए। कब आ गए थे भैया आप यहाँ पे? अबे यार जा मत करा, व्लॉगिंग लोग देखते हैं तो शर्म लगती है यहाँ पे। भाभी कहाँ है? ये है तुम्हारी भाभी, ये है तुम्हारी फूफा, ये मम्मी। नमस्ते आंटी, नमस्ते आंटी। भाभी तो व्लॉग बनना है चरण का। रहते ना मेरे को भी घर से सबसे बोलते। फिलहाल गई सब लोग नहा के रेडी हो गए, हम जा रहे हैं नीचे और यहाँ पे रामायण चल रहे हैं तो आवाज आपको आ रहा होगा। आए हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। सो फिलहाल गाइस हम लोग आ गए नीचे और भाभी से भी मिल लिया। गाइस मैं ना ललितपुर से भाभी से मिलने के लिए यहाँ तक आ गई हूँ। तो भाभी मेरे से मिल के कैसा लगा? हाँ अब मेरी ना भाभी से बहुत जल्दी वाली अच्छी वाली जमने वाली है तो हम लोग भैया को साइड में कर देंगे। भाभी का खाना है एंड भाभी को हैबिट नहीं है तो वो साड़ी में ज्यादा अच्छे से बैठ नहीं पा रही है। ये सब आपने बनाया? एक्चुअली मैं ना हम लोग आए थे तो इतना नींद आ रहा था तो हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद सो गए तो बिल्कुल याद नहीं रहा। अभी मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू कर रही थी एंड अभी थोड़ी थोड़ा टाइम पहले ही उठी हूँ तो अभी तो फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं और रामायण चालू है। वो शायद कल तक चलेगा, कल आफ्टरनून तक चलेगा एंड कल भैया का बर्थडे भी है देव भैया का तो और भी ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है। अभी तो फिलहाल घर में यही चल रहा है। ये देखो भाभी यहाँ पर सामान लेने आए हैं, कंटिन्यू अपना अपना वर्क कर रहे हैं और हम अभी छोटे उड़े हैं तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने नाइट का डिनर भी हो गया है और अभी बज रहे हैं 10 बजने को आया है। गाइस मैं कुछ नहीं दिखा पाई हूँ एक्चुअली। हम लोग मतलब यहाँ पर नीचे बहुत क्राउडेड, सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं भैया के तो बहुत ज़्यादा क्राउड है और मैं वहाँ नीचे ज़्यादा ध्यान भी जब मेरे को याद भी नहीं रहता कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है साथ में यार। तो फिलहाल तो गाइस हम लोगों ने डिनर कर लिया है एंड अभी हम लोग तो सोएंगे क्योंकि तो मॉर्निंग भी जल्दी उठ गए थे। आफ्टरनून सोया था ऐसा नहीं है बट फिर भी नींद ही आ रहा है तो अरे यार क्या है मतलब। सो फिलहाल इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ नया सो लाइक चैनल सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।